मनीष हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मैं मुंबई का लाइव और मैं हूं आपके साथ वी एफ राजपूत क्रांति। हम बहुत से राजनेताओं का कार्यक्रम कवर करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसका हमने टाइटल दिया है गोपाल गजब का। आप जानेंगे आज उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल सेठी का होली के दिन बोरीवली में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया हुआ था, जहां हजारों की तादाद में मैदान खचाखच भरा हुआ था और आसपास में लोग खड़े थे। मंच पर एक अलग ही तरह का नजारा देखने को मिला, इसीलिए शीर्षक आया गोपाल गजब का। कार्यक्रम तो उनके राजनीतिक जीवन के 30 वर्ष की यायावरी पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन समारोह था, लेकिन उन्होंने अपने ही क्षेत्र के प्रतिभाशाली नागरिकों को मंच पर बुला बुला कर अभिनंदन करना शुरू कर दिया, और वो भी अपने वक्तव्य के साथ साथ। और जब उनके अभिनंदन की बारी आई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब तक उत्तर मुंबई में प्रस्तावित अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण नहीं होगा तब तक मैं कोई भी अभिनंदन स्वीकार नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं, एक मेरी बात सुनो ना, ट्रॉफी दिखा दो, रखो, अटल जी का पुतला लगेगा उस दिन मैं लूंगा, इससे बड़ा लेके आना, बस इससे बड़ा बना देना। हाँ, ये आज का हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके अभियान का सबसे बड़ा समर्थन था ये। नागरिकों के अभिनंदन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर योगेश दुबे का भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उत्तर मुंबई के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समारोह के गवाक्ष अजय भाई पुरोहित ने बताया, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आयोजकों के केवल दो दिन के प्रयास से हजारों की तादाद में मैदान खचाखच भर जाना सांसद गोपाल सेठी की लोकप्रियता को दर्शाता है। इसी के साथ देखते रहिए शुभ समय मुंबई का लाइव और बने रहिए देव देश और धर्म के साथ। माता की वंदे वंदे, गोपाल सेठी जी संघर्ष करो, गोपाल सेठी जी संघर्ष करो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।